नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिटनेस प्लेटफॉर्म माय हीरो हेल्थ। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। पिछली वीडियोस में हमने वात पित्त और कफ के बारे में जाना था दोस्तों। वात पित्त और कफ पर ही हमारा पूरा का पूरा शरीर टिका हुआ है। इनको बैलेंस करके ही हम बीमारियों से बच सकते हैं, और जब तक ये बैलेंस नहीं होंगे, हम चाहे कुछ भी ट्राई कर लें, कितनी भी दवाइयां खा लें, हमारे शरीर से जो बीमारियां हैं वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होंगी। अगर आप दवाइयों से अगर उनको खत्म करने की कोशिश करोगे तो कुछ टाइम के लिए वो ठीक हो जाती है, लेकिन दोबारा से फिर हो जाएंगी, क्योंकि आपने जड़ पर काम नहीं किया है, आप सिर्फ पेड़ के पत्तों पर पानी डाल रहे हो। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आपके शरीर में अगर जो समस्याएं हैं, आज मैं बताऊंगा कि आपके शरीर में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप ठीक कर सकते हो अपने वात को बैलेंस करके। अगर आपके शरीर में वात अनबैलेंस हो जाता है तो ये सारी समस्याएं आपको लग जाती हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, आइए जान लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, कि जैसा कि आपके जो बाल होते हैं, सिर के जो बाल हैं वो रूखे सूखे रहते हैं, उनकी जो थिकनेस है वो कम है। साथ ही दोस्तों, आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है वो रूखी सूखी रहती है, तो ये वात के अनबैलेंस होने के कारण ऐसा होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके वजन से जुड़ी किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है, आपका वजन इंक्रीज नहीं होता, आपने हर प्रकार की चीजें ट्राई करके देख ली लेकिन आपको खाया पिया नहीं लगता, आपका वजन नहीं बढ़ रहा, तो ये चीज भी आपके वात के अनबैलेंस होने के कारण है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, आपके मन में घबराहट, चिंता, बेचैनी रहती है, साथ ही दोस्तों आपको हर समय डर सा लगा रहता है, आपके मन के अंदर एक भय रहता है, तो ये सारी चीजें वात के अनबैलेंस होने के कारण होती हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको कब्ज से जुड़ी कोई समस्या है, साथ ही पेट फूलने की कोई समस्या है, तो वो भी वात के अनबैलेंस होने के कारण ही है। दोस्तों आगे हम बात करें कि जो वात के कारण और क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों, वात के अनबैलेंस होने के कारण आपको नींद से जुड़ी समस्याएं आ जाती हैं। अगर आपका वात अनबैलेंस है तो आपकी नींद है वो बार बार डिस्टर्ब होती रहेगी, आप एक अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। यानी कि अगर आप सो रहे हैं तो आपकी बार बार नींदें खुल जाती हैं, या फिर आपको गंदे और डरावने सपने आ जाते हैं जिसके कारण आप एकदम से उठ जाते हैं, तो आपकी नींद अच्छे से प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती, ये भी इसी के कारण है। साथ ही जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, साथ ही जो वजाइनल ड्राइनेस है और पीएमटी जैसी समस्याएं हैं, वो भी वात के अनबैलेंस होने के कारण ही होती हैं। या फिर साथ ही जो आपको माइंड से जुड़ी कोई समस्या, यानी कि आप चीजों को भूल जाते हैं, या फिर आपकी मानसिक उपस्थिति नहीं रहती कहीं पर, आप फिजिकली तो वहां पर हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, आप जो माइंड से वहां नहीं हो, आप चाहकर भी वहां अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर पाते, क्योंकि आपके दिमाग में अनगिनत चीजें और न जाने क्या क्या चीजें, जो आप सोच भी नहीं रहे, कुछ और ही चलता रहता है, तो ये सारी चीजें वात के अनबैलेंस होने के कारण होती रहती हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपके जॉइंट्स में जो स्टिफनेस आ जाती है, डिस्कम्फर्ट आ जाता है, या फिर जो लोअर बैक पेन है, वो भी वात के अनबैलेंस होने के कारण ही होता है। इसी के साथ दोस्तों, आखिर में हम चलते चलते बात कर लेते हैं, अगर आपको थकान जल्दी महसूस हो जाती है, और इसी के साथ जो आपकी जो सहन शक्ति है वो कमजोर है, आप ज्यादा सहनशील नहीं है, तो ये भी आपके वात के अनबैलेंस होने के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, इनमें से एक या दो समस्याएं तो उसको जरूर ही मिल जाएंगी। आजकल टेंशन है, ये तो सबके दिमाग में ही चलती रहती है। तो दोस्तों, आप इन सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हो, आप अपने जो वात का बैलेंस है आपकी बॉडी में, उसको बैलेंस करो, उसको अनबैलेंस ना रहने दो, उसके लिए प्रॉपर डाइट या एक्सरसाइज करो, ताकि आपका वात बैलेंस हो और ये समस्याएं ना हो, तभी आप स्वस्थ रह पाओगे और इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो और लेकर आता रहूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन है वो और बढ़ता रहे। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे एक और बेहतरीन हेल्थ वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए माई हीरोज हेल्थ।